अब यहां पर एक सवाल आया, मैं सवाल का जवाब दे दूं कि ये सवाल है आप ही के मुआशरे का, ये बेचैनी और इस्तराब आपके मुआशरे की है, ये जो घबराहट है वो आप ही के दरमियान सुनने वालों की है, लिहाजा मैं आपको इसका सवाल पेश करके जवाब बताऊंगा। कि मौलाना हमने तो फरशादा की बड़ी इज्जत सुनी थी, अब मिंबर से कहा जाता है कि हर मजलिस में ना जाइए, तो ये गलत बात है, फरशादा की तौहीन है। किसने कह दिया आपसे कि फरशादा का एहतराम यह है कि वहाँ पर जो भी गलत अकीदा बताया जाए फरशादा का कोई एहतराम नहीं है? मियाँ साहिब फरशादा का एहतराम तो एक ही मिंबर एक सेकंड में बेजान लकड़ियां हैं, दूसरे मरहले में नूर का मरकज है। एक लकड़ी का मिंबर है, एक लम्हा पहले निजासत है, खलाजत है, गुमराही है, खुदा का गजब नाज़िल हो रहा है। उसी मकाम पर बच्चों के ज़बान में गुफ्तगू करूं, उसी गूगल लोकेशन पर पिन ड्रॉप कीजिए, वहीं पर सैयद साहब के फरमाने अताज़ानी हक अन अलका इला हाज़िल आवाज़, इजाजत देता है कि लकड़ियों पर मैं भी चढ़ जाऊं। जब तक सुना आपको नहीं पता कि ये मिंबर है, लकड़ियां कहना अरबी जबान की ग्रामर आपको नहीं आती नामों से मिलता, आप लकड़ियां कह रहे हैं, आपने मदीने में यमन रसूल कभी मिंबर नहीं देखा, तो हमारे उलमा ने क्या सिखाया? इमाम ये फरमाना चाहते हैं कि ये बेजान लकड़ियां, मिंबर जब होगा कि जब हम बैठेंगे। और फिर इमाम ने क्या फरमाया, खुद इमाम ने तशरीफ फरमाई इस जुमले की, लकड़ियां क्यों कह रहा हूं, फरमाया कि तूने इश्तराई था रिजल मखलूक बेसखत खालिक, ए खतीब तूने अल्लाह के गजब को खरीदा मखलूक की मर्जी की खातिर। और अमीर मुझे चढ़ने दोगे इस मंबर पर ताकि मैं कुछ ऐसी बात करूँ लोगों के फायदे की हो, उसके बाद इमाम उसी मंबर पर चढ़े। तो तवज्जो फरमाइएगा कि हम मौलाना जाते तो हम ये सुनते हैं जहां पर गुमराह को नाकायद फैलाए जा रहे हैं उन मजलिसों में ना जाए। फरशादा का एहतराम ये कि वहां पर बड़े एहतराम से बैठा जाए, फरशादा का एहतराम ये है कि वहां पर गदड़बाजी ना की जाए, फरशादा का एहतराम ये है कि आप अदब के साथ सलवात भेजिए, फरशादा का एहतराम ये है आप गिनते जाइए 10-20-15 एहतराम आएंगे, लेकिन फरशादा का एहतराम कब तक है? जब तक वहां पर साहिब फर्श अज़ा की मर्जी के मुताबिक गुफ्तगू हो रही हो, जब तक वहां पर बातसमू बेहबलिल्लाह कुरान का ये कानून उसका ख्याल रखा जा रहा हो। लिहाजा ये कहना कि क्योंकि मजलिस है तो जाना एहतराम की वजह से लाजिम है, ऐसा कोई अकीदा हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, खूब समझ लीजिए। माना ये तो आपने बड़ी नई बात कर दी, एक नई जिद्दत ले आया, हमने तो अपने बुजुर्गों से सुना था कि फर्शाजा का एहतराम है, सही कहते थे आपके बुजुर्ग, जबकि बात है कि मजलिस में मजलिस होती थी।